सहजन के फूलों का रायता बनाने के लिए ये हमने लिए हैं सहजन के फूल, और इस तरह से हम इन सबको चुन लेंगे। इस तरह से हमने सारे फूल को अलग कर दिया है। अब इस बॉइलिंग वाटर में हम डालेंगे ये सहजन के फूल। इसे हम मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने लेंगे, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट न हो जाए। ये देखिए, ये सहजन के फूल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इन्हें हम पानी से निकाल लेंगे। अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने के बाद हम हाथों से इस तरह से इसे मैश कर लेंगे, और इस तरह से हमने हाथों से इसे हल्का हल्का मैश कर लिया है। हमने ये छोटी डिश के जितना दही लिया है, और इसमें अब ऐड करेंगे 1 स्पून के जितना शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप शुगर अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं पसंद करते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब ये दही अच्छे से बीट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे बहुत ही बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इस सहजन के फूल। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से एक बार दही में मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। फाइनली इसे गार्निश करेंगे थोड़े से हरे धनिए के साथ, और ये हमारा सहजन का रायता बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर ये आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।